सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज का पावा दिन अषाढ़ शुक्ल सप्तमी हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का आज है मोक्ष कल्याण दिवस। इसी उज्जयंत शिखर गिरनार जी से जहाँ उन्होंने तप किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति की, आज के दिन में मोक्ष गए। और हम उनसे कैसे दूर हो गए कि आज हम वहाँ पर निर्वाण लाडू तक उनकी टोंक पर नहीं चढ़ा पाते हैं। अरे हम उनकी तो बच्चों को बचाया ही कहाँ, अब तो उनके चरण भी बदल दिए गए हैं। नाम हो गया है दत्तात्रेय टैंक। कह रहे होंगे सिद्धालय से, जिस भूमि से 72,600,000 मुनिराज मोक्ष गए, तुमने उसको जरा भी स्वीकारा नहीं, उसको दुत्कारा ही है। ऐसे पावन दिन आपको दिखाते हैं अब यह दृश्य। यह दृश्य देख रहे हैं आप, सूरज मल विहार दिल्ली के प्रवेश के हैं, जब आचार्य वहां पर आचार्य श्री प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्मास से पहले की तैयारी, कहते हैं अब चतुर्मास का जैसे वर्षा योग का शंखनाद हो गया है, हर जगह जगह हो रहा है, संत अपने अपने जगह पर पहुंच रहे हैं। और ये सूरजमल विहार में आप दृश्य देख रहे हैं, प्रतिमा के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, गुरु और भगवान जैसे आपस में मिल रहे हैं। जानते हैं वैसे हम लोग वर्षा योग करते हैं, ये तो हर को मालूम है, आप लोग भी जानते, कहेंगे त्रस और स्थावर जीवों की सुरक्षा के लिए हिंसा ना हो, उनकी जो इसमें उत्पत्ति होती है जीवों की ज़्यादा, उनसे सुरक्षा के लिए अहिंसा के लिए यह कर लेते हैं। पर वास्तव में मालूम है यह त्रस जीव इसमें बहुत पैदा होते हैं। अरे ऐसे ऐसे त्रस जीव पैदा होते हैं, छोटे छोटे जीव पैदा होते हैं जो कि उसी भव से मोक्ष चले जाते। अरे गजब की बात है, आपने नहीं सुनी होगी कि निगोद से निकले, जन्म लिया कीड़े बने, मनुष्य बन के और मोक्ष चले गए। आपने सुना है कहीं ऐसी घटना है? श्रावण का महीना अगला आने वाला है, उसमें ऐसे ही कुछ जीव निगोद से निकल के ऐसे ही पड़े थे। झुंड आपने देखा है, जगह जगह चींटियों के झुंड बन जाते हैं, ऐसे मौसम में झुंड बन गए थे, 923 कीड़े थे वो। अब आप कहेंगे उधर से हाथी आ रहा था, अरे हम उस मेंढक की बात नहीं कर रहे कि श्रेणी का हाथी आता है और पैर के झुके देव बन जाता है, हम वही नहीं, ऐसे 923 कीड़े थे हाथी के पैर के नीचे दब गए। और अगले ही क्षण पता है क्या होता है उनका, वो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र बन जाते हैं, पर कोई बोलता नहीं है। वर्षा योग के समय जब होते हैं और बस अगले ही में बोलते नहीं हैं, जब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी के समुझ में पहुंचते हैं, बस उसके बाद दर्शन के बाद सीधा सिद्धालय पहुंचते हैं। ऐसे ऐसे जीव इन इस बरसात के मौसम में होते हैं। सूरजमल विहार के दृश्य देख रहे हैं प्रवेश के, ये हैं जो हमें मन में भावुकता लाते हैं। आपने कभी सोचा है जब चतुर्मास होता है किसी संत का किसी स्थान पर, जैसे सूरजमल विहार में यह हो रहा है आचार्य श्री का, वहां पर सबसे ज्यादा उस वर्षा योग में उस वहां की जनता में भक्ति के अंदर श्रद्धा के अंदर कब दिखती है? सोचिए आप, सबसे ज्यादा श्रद्धा हम लोगों की जब हमारे क्षेत्र में गुरुवर का वो होता है चतुर्मास, तो कब दिखती है? ध्यान रखिए, वह सबसे ज्यादा भक्ति श्रद्धा हमें प्रवेश और वर्षा योग स्थापना में दिखती है। आप सोचेंगे ऐसी बात, पर हाँ सच बात यही है, जब जब उसमें गुरुवर आते हैं, कोई संत आते हैं, तो सबसे ज्यादा हमारी बाचे खिली, उत्साह उत्सव और आनंद हमारा सबसे ज्यादा उनके प्रवेश और स्थापना पर होता है। जैसे आप यहाँ प्रवेश के दृश्य देख रहे हैं, महिलाएं अलग ड्रेस में रोमांचित हैं, खिलखिला रही हैं और नृत्य करके सबको मन मोहित कर रही हैं। गुरुवर प्रवेश करते हैं, 51 थालों के ऊपर से कहते हैं पदों का बढ़ना, चरणों का डालना उनको सौभाग्य का प्रतीक होता है। ऐसे मनभावन दृश्य देखकर हर कोई रोमांच। इस बार कहा जाता है कि चतुर्मास दिल्ली का नंबर वन होने की एक प्रकार से यहाँ की कमेटी ने अपने ऊपर से संकल्प जैसे कर लिया है कि दिल्ली का सबसे बड़े चतुर्मास हम यहीं करेंगे, अनेक कार्यक्रम करेंगे। रमेश जो महामंत्री है वह दावा करते हैं कि इस बार का चतुर्मास अतुलनीय होगा, क्योंकि आसपास के समाज मिलकर यहां पर अकेला नहीं कि सूरजमल कर रहा है, बाहुबली समाज भी है, ऋषभवीर, सब मिलकर दूर दूर से आते हैं प्रवेश में। जब कल ये प्रवेश हुआ रविवार को, कि सब आनंदित थे, उत्साह के अंदर थे। और आचार्य श्री भी कहते थे कि गुरुवर का आना भी मंगल होता है, ध्यान रखिएगा। और साथ में जब आप कहते हो जाना वहां का खराब होता है, रुआंसे वाला होता है, नहीं, उनका जाना भी मंगल होता है। और वर्षा योग क्या होता है, कभी भी आप गंगा की धारा को रोक नहीं सकते, बस उसी तरह साधु का भी इसी तरह विहार होता है, हमेशा रोका नहीं जाता। पर प्रकृति भी क्या कहती है, क्या है उसकी विकर्तव्य, कहती है 4 महीने में भक्तों के बीच में तेरी धार को रोकना चाहती हूँ और बांध बनाकर उस गंगा की नदिया को मैं बहाना चाहती हूँ, ज्ञान सरोवर को, कि जिसके अंदर जो भी चाहे भक्त अपना आनंद लेता रहे।
यह होती है प्रवेश के समय भावना कि हमें ऐसे ऐसे कार्यक्रम करेंगे, जो इस बार सूरज बल विहार ने भी ऐसा संकल्प लिया है। दृश्य बड़े मनोहारी हैं, कहानी बड़ी अजबकारी है। ऐसी ऐसी बातें होती हैं जैसे दृश्य देखते हैं, खुशियां झूमती हैं, आनंद मुंगता है, प्रकृति भी जैसे बरसती है, गंगा की धार जैसे यहीं से निकलती है। इस बारे में फिर जब सभा हुई तो क्या कहा आचार्य जी ने, अपने इस 10 मिनट के प्रवचन का एक अंश आप भी देख लीजिए। महानुभाव, आप सब लोगों ने यही कार्य आज किया है, भक्ति भाव से यहाँ पर स्वागत किया और दूर दूर से लोग जो है चतुर्मास की अनुमोदना करने आए हुए। मैं आपसे कहता हूँ, जब कभी भी चतुर्मास यदि आपके आस पास हो तो आप लोग सब लोग पहुँचे और वहाँ के जो समाज है उनकी पुण्य की अनुमोदना करें। पुण्य की अनुमोदना करें कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको 4 महीने जो है मुनिराज का सानिध्य मिलेगा, तत्व ज्ञान मिलेगा, अध्यात्म मिलेगा, धर्म ध्यान मिलेगा और मैं कहता हूँ साक्षात मोक्ष प्राप्त मिलेगा। आप सब लोग हैं प्रभु की आशी कृपा बनी रहे और इसी तरह की आपकी श्रद्धा भक्ति और आस्था जो है देव शास्त्र गुरु से जुड़ी रहे। इस वर्ष का मंगल वर्षा योग 24वां एलक अवस्था के 4 अब आपकी मुनि अवस्था, तो इन सब चतुर्मासों को मिलाकर के 24वां चतुर्मास जो है यहाँ पर होने जा रहा है और इस शासन के हमारे भगवान हैं वो 24वें भगवान महावीर स्वामी हैं और उन्हीं महावीर स्वामी का हम सब लोगों ने एक संकल्प लिया है। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव जो है पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व जो है अच्छे तरीके से मनाएंगे और उनके संदेशों को उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसी मंगल कामना और भावना है। सूरज मल का विहार का चतुर्मास ऐसा ऐतिहासिक होना चाहिए कि 2550 निर्माण महोत्सव की जो गूंज है पूरे विश्व में पहुंच जाना चाहिए।